खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से, जहां पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर विरोध जताते हुए राष्ट्रपति व राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अराजकता व धांधली को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा कार्यकर्ता ने जिले भर में हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि शहर कलेक्ट्री व सागंज तहसील आदि कस्बों में सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। वहीं पुलिस व प्रशासन सपा कार्यकर्ता को रोकने में जुटा है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी शहर के कलेक्ट्री व सागंज तहसील परिसर में सपा पदाधिकारी धरने पर बैठ गए हैं। कह रहा है कि सागंज के सपा विधायक शैलेंद्र यादव लालोई के अगुवाई में अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर हमला बोला है। वहीं सपा कार्यकर्ता ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में लोकतंत्र की हत्या किए जाने की बात कही है। बताया जा रहा है कि नामांकन न करने देने व नामांकन पत्र फाड़ने का आरोप लगाया है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर पठान अली की रिपोर्ट। किलो चावल पर आ गया है, ये जो तमाम समस्याएं इस देश में हैं, जिनसे मुक्ति आम जनता को चाहिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए जब उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार संवेदनहीन हो गई, बात सुनने को नहीं तैयार है, हम इस धरने के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर ये उम्मीद करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी इस सरकार को चेताने का काम करेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। 2022 क्या रणनीति रहेगी, क्या प्राथमिकता है? जनता के सहयोग से, मतदाताओं के सहयोग से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत की अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगी। सर, अगर आपका जब आएगी तो पत्रकारों के लिए क्या अहमियत रहेगी? पत्रकारों का जो उत्पीड़न करने वाला चाहे अफसर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे गुंडा हो, उसके खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई होगी। और ये सरकार पत्रकारों से इतना डरती है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर पत्रकार दीर्घा जब से विधानसभा का गठन हुआ तब से पहली बार योगी जी की सरकार ने उस पत्रकार दीर्घा से पत्रकारों से डर कर उनको बाहर कर दिया। यहाँ तक कि सेंट्रल हॉल में पत्रकार बैठते थे, वहाँ से भी पत्रकारों को हटाकर तिलक हॉल में भेज दिया। इतना पत्रकारों से नफरत करने का काम जो की सरकार करती है। बनारस में मोदी जी आ जाए हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर की जा रही है, क्या कुछ कर रहा है मेडिकल कॉलेज पे? सपा के मुखिया जो है पूर्व मुख्यमंत्री, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री को गुमराह करने का काम किया है। जब एक सरकार अपने ही प्रधानमंत्री को गुमराह कर रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य का काम और क्या हो सकता है? पत्रकारों को आर्थिक सहयोग के बारे में सपा क्या करेगी इसके बारे जब जब समाजवादियों की सरकार आई है तब तब पत्रकारों का सबसे ज्यादा सहयोग समाजवादी सरकार ने किया। आर्थिक रूप से भी, हर तरह से उनकी आवास का भी, उनकी तमाम सुविधाओं का देने का इस सरकार में पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके विषय में आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ना, पत्रकारों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। जब सरकार ने उनको सदन के अंदर जो पत्रकार दीर्घा से भगा देने का काम किया, सेंट्रल हॉल से हटा देने का काम किया कि ये कहीं दिखाई न दे, हमारी बात कहीं कह न पावे, उसमें ये किस तरह की दुर्भावना सरकार रखती? जो सरकार दुर्भावना रखेगी वो सरकारी अधिकारी और उनके गुंडे भी रखेंगे। इसलिए जब हमारी सरकार आएगी, आपको सुरक्षा और संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी कला में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, ADM की क्या भूमिका थी उसमें? ADM ने, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ADM राजकुमार द्विवेदी जो बेईमान प्रवृत्ति का अफसर है, जिसने SDM रहते हुए फूलपुर में बहुत बड़ी बेईमानी की है, जिसके ऊपर FIR हुआ है, जिसकी जांच चल रही है, ऐसे भ्रष्ट और बेईमान अफसर को जिलों में नहीं रहना चाहिए बल्कि जेल में होना चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।